नमस्कार, इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय में मौजूद हैं और कैथल लघु सचिवालय में आज एसपी से मिलने के लिए गांव फरियाबाद के ग्रामीण पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में ये ग्रामीण पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 30 दिसंबर की रात को फरियाबाद में कई घरों में लाखों रुपए की चोरी हुई है, जिसकी जो जांच के लिए एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या कुछ पूरा वाक्य है, तो सीसीटीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो चोर हैं या जो बंदे हैं वो गांव में एंट्री करते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाई जा रही है। तो पूरा वाक्य क्या कुछ हुआ है, किस तरह से चोरी की इतनी बड़ी वारदात हुई है, तो बातचीत कर लेते हैं ग्रामीणों से। हाँ जी, क्या नाम है? जिसमें नाम है जी, गाँव फरियाबाद है। हाँ जी, आपके कितनी चोरी हुई है? मेरे 9 तोड़े सोना चोरी है जी, कोई नकदी नहीं, चांदी है जी थोड़ी सी। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब कैसे हुई, पता है कुछ घटना थोड़ी सी? जी घटना नु है जी, हम नीचे से वहाँ जी ऊपर था जी, जो सामान था, और वो ऊपर को आएगा, दूसरी छत पर को आएगा, चोरी करके ले गए जी। मतलब कोई जैसे आए चोर, आवाज वगैरह सुना? नहीं, कोई आवाज नहीं आई जी। अच्छा, कब पता चले आपने? हमने सुबह पता चला 5 बजे। अच्छा, मतलब कितने घरों में चोरी हुई है ये? तकरीबन 10 घरों में पड़े हुए हैं। 10 घरों में? हाँ जी। अच्छा, सभी का मतलब जेवरात और वो लेके? हाँ जी, कुछ नकदी है, कुछ जेवरात है। हाँ जी। तो कितने का नुकसान है टोटल आपका? तकरीबन मेरा जी, मेरे खुद के 7 लाख रुपया नुकसान है। आपका क्या नाम है? अनिल डोला जी। जी, क्या कहना चाहोगे फरियाबाद? मैं कहना चाहूँगा जी, जो हमारे गांव के अंदर ये ऐसी बड़ी वारदात हुई है, इसके मतलब कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए गांव के लोगों को, और जो लूटा हुआ सामान है वो वापस मिलना चाहिए। अच्छा, टोटल अगर बात करें तो कितने के लाख की चोरी हुई है? लगभग गांव के अंदर 60 से 70 लाख की चोरी हुई है। एक ही रात में हुई है? एक ही रात में हुई है। कब की घटना है ये? 30 तारीख की घटना है। 30 दिसंबर की घटना है ये। तो आज जैसे एसपी साहब से मिलने के लिए आए, तो क्या कुछ आश्वासन दिया? एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश बोले। कितने के बंदे थे, जैसे इतनी बड़ी वारदात है, 9-10 घरों में चोरी हुई है, तो कुछ आइडिया हुआ आपको? किस बात का? जो चोर थे कितने का? ये तो देखा नहीं है किसी ने। अच्छा, कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह? नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई फुटेज है। अच्छा, तो उसमें मतलब उसमें बंदे आ रहे हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही, ठीक है ना? और आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को फैलाएं और आगे से आगे पहुँचाएँ, ताकि हमारे गांव का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? राम नरेश डूड़े जी। जी, आपका भी हुई है चोरी? हाँ जी, मेरे यहाँ जो गहना इससे 2 दिन पहले खेतम का इन्वर्टर बैटरी उठे हैं जी। अच्छा। मतलब 5-6 बिंदा के इन्वर्टर बैटरी उठे हैं जी। जी, 5-6 खुट्टम का। अच्छा। तो गाँव ने था कि भाई को ऊँ कर गया चोरी, उससे 30 तारीख ने फिर यह रात को 10:30 बजे इंट्री करी है जी ने गाँव में, जो फुटेज आ रही है, और ये 3:10 पे गाँव से निकल रहे हैं। फिर इन्हें सर रात 7-8 घरों में चोरी करी है जी। हाँ जी, आपके गांव में इतनी बड़ी चोरी हुई है, तो क्या कुछ है, जैसे एसपी साहब से मिलने के लिए क्या कुछ आश्वासन दिया? देखिए, आज मेरे गांव फरियाबाद से सैकड़ों बुजुर्ग युवा साथी मिलने के लिए, एसपी साहब से मिलने के लिए यहाँ आए, और मैंने इन सबको एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पर एसपी साहब से मिलवाया, और एसपी साहब ने स्पष्ट तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये मामला राजौंद थाना से CIA 2 में भेजने का आज आदेश दिए हैं, और दूसरी ओर जो ग्रामीणों की मांग थी कि जो इस 30 दिसंबर को जो चोरी हुई है, उस रात को जो आउटर रेंज के फ़ोन थे इस गांव की लोकेशन में, जो सर्च आउट करने के लिए एसपी साहब से अनुरोध किया है, उन्होंने इस अनुरोध को भी हमारे को स्वीकार किया है, और 2 दिन के अंदर अंदर इस जो फोन ट्रेसिंग के मामले को खंगाला जाएगा, और जल्द ही ताकि चोरों की गिरफ्तारी की जा सके, उनकी पहचान की जा सके। तो कोई CCTV फुटेज भी आई होगी? देखिए, हमारे गांव में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसमें 11 बजे से लेकर रात 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक कुछ चेहरों की पहचान तो नहीं हो सकी, लेकिन 4 से 5 व्यक्ति उसमें दिखाई दे रहे हैं गाँव में एंट्री करते 11 बजे, 3 बजे फिर दोबारा उस लोकेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो किस उस पर बाइक पर आते हुए दिख रहे हैं, कुछ गाड़ी वगैरह? देखो, मैं तो यहाँ कैथल में रहता हूँ और गांव वासियों को इस बात का पता है भाई, वो किस असर पैदल या वो उनको पहचान होती तो फिर वो मौके पे पकड़ सकते थे, और जब से गांव बसा है इस तरह की कोई घटना आज तक नहीं हुई, और गांव में पूरा शांतिपूर्ण रूप से भाईचारा कायम है, गांव का कोई व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता, और ये बाहर के लोग ही ऐसी शरारत करते हैं। ये है जी, गांव में चोरी हुई है, काफ़ी घरों में चोरी हुई है।
काफ़ी नुकसान होया, कम से कम 15-16 लाख रुपया नुकसान होया। जो एक गरीब आदमी अपना दूध दाँत बेच कर अपना गुजारा कर रहे थे और उनके जेवर पैसे निकल रहे, मतलब गांव को बड़ा दुख है। आज से पहले गांव में कोई भी चोरी नहीं हुई थी, कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। सिर्फ एक 2-3 दिन पहला एक इन्वेटर उठे थे, सोचा भाई किसी ने गाँव वाले ने आपस में करिया, थोड़ा बता एक छोटा था सिस्टम। तो मेन चोरी है और सारे गांव को दुख है, 36 बरादरी को इस बात का दुख है। तो जी मैं चाहवा भाई महकमा हमारा साथ दे और एक चोर को हमारे सामने ले आकर दे।